तो नीलकमल दीदी GGSS स्कूल बापूनगर भीलवाड़ा में लेक्चरर हैं, राजस्थान से हैं। तो दीदी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इंट्रोडक्शन को रखते हुए अपनी शेयरिंग को रखें। जी, ओवर टू यू दीदी। जी नमस्ते शर्मिला दीदी, सभी को नमस्ते। UHV की जो पूरी टीम है उन सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम नीलकमल खराड़ी है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बापूनगर भीलवाड़ा में वाणिज्य की व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ। मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन है और मेरा एक बेटा है जो 9th क्लास में पढ़ता है। और मैंने सबसे पहले तो जीवन विद्या से मैं जो जुड़ी थी वो लगभग सन 2022 में मैंने एक परिचय शिविर किया था गढ़बोर चार गुजा जी में हुआ था, जो कि सोम त्यागी जी भैया ने उनके उन्होंने लिया था। वो मैंने शिविर अटेंड किया था और भीलवाड़ा में ही एक इंग्लिश स्पोकन का एक टिल्स एजुकेशन करके एक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ के जो डायरेक्टर और जो टीचर हैं उस क्योंकि मैंने उस जो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था तो उन टीचर ने मुझे मुझे इस जीवन विद्या के बारे में मुझे थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था और उन्होंने मुझे ऐसा किया गाइड किया था कि आप इस शिविर को अटेंड करें मेरे उससे एक बार मेरे कहने से, तो मैंने उनके कहने से शिविर को अटेंड किया था। उनका नाम अभिलाष सर है, जो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे इतने अच्छे इस मतलब पथ पर आगे बढ़ने के लिए मेरे को मोटिवेट किया, क्योंकि उससे पहले तो वही था कि जीवन में बहुत सारी चीजों को लेके मैं भी काफी परेशान ही रहती थी। तो सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और UHV का जो मैंने 9th बैच अटेंड किया था, 9th और 10th दोनों बैच अटेंड किए हैं, लेकिन मैंने ये जरूर है कि सुबह मॉर्निंग का, क्योंकि मेरा 7:30 का स्कूल रहता है तो मैं थोड़ा सा हड़बड़ाहट में कामों में रहती हूँ, तो जरूर मैं सुनती हूँ, स्पीकर मेरा ऑन रहता है। कई बार मैं रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कर पाई हूँ, लेकिन UHV से जुड़ने के बाद मेरे काफी मेरे थॉट्स में क्लियरिटी आई है, मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा चेंज आया है। पहले भविष्य को लेकर के, संबंधों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, उन सब चीजों में मैंने बहुत बदलाव देखा है और वही है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आगे शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरे जो स्टेप 1 के अंदर जैसे स्वयं की कल्पनाशीलता का निरीक्षण करना था, जिसमें भाव विचार इच्छा का निरीक्षण करना था, तो पहले तो समझ का अभाव बहुत ज्यादा था, तो इस वजह से भाव बहुत जल्दी बिगड़ जाते थे। किसी कोई कुछ कह देता था तो बहुत परेशान हो जाती थी, हस्बैंड से भी कई सारी बातों में बहुत ज्यादा बहस हो जाती थी, विचार मिलते नहीं थे। ससुराल में थी तो सासू माँ भी अगर कोई बात वो कहती थी तो बहुत सारी ऐसी पहली मान्यताएं ऐसी थी, उनके आधार पर मैंने यही सोच रखा था कि ये तो मेरा मतलब मुझे जो भी कहते हैं उससे मेरा मतलब मेरे भाव बिगड़ ही जाते थे कि मेरा अच्छा नहीं चाहते हैं, ये मैंने पहले से इस तरीके से मान्यताओं के अंतर्गत सोच रखा था कि जैसे एक इमेज होती है कि सासू की सासू माँ की जो इमेज होती है उसको दिमाग में लेकर के चलती थी तो काफी परेशान रहती थी। लेकिन जब मैं इसने मैंने ये UHV की एक्सरसाइजेस वगैरह की, उसके बाद से मेरे को काफी मेरे को समझ बनी और सजगता के आधार पर अब मैं जो भी निर्णय लेती हूँ वो मैं समझ के आधार पर लेती हूँ। अब मैं इन सब बातों से ज्यादा परेशान नहीं होती हूँ, काफी मतलब जीवन में बहुत आराम में रहने लग गई हूँ। पहले बहुत ज्यादा भविष्य की चीजों को लेकर बहुत चिंतित भी रहती थी, मेरे बेटे का आगे भविष्य में मैं क्या करूंगी कैसे करूंगी, इन सब चीजों को लेकर के भी चिंतित रहती थी, लेकिन अब इन सब चिंताओं से मेरा थोड़ा ध्यान हटा है। और पहले वही है कि मैं बाहर की चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती थी, मेरे जो भी सुख दुख का जो भी निर्णय था वो मैंने दूसरों के ही हाथों में दे रखा था, तो अब ये कंट्रोलिंग जो है वो बस मेरे मेरे ऊपर ही है। मैं बाहर की चीजों से अब प्रभावित बिल्कुल पूरे तरीके से तो नहीं कहूंगी कि बाहर की चीजों से अब मैं प्रभावित नहीं होती हूँ, लेकिन UHV की
दो बैच अटेंड करने के बाद से अब मुझ में ये इतनी समझ बनी है कि मेरे सुख और दुख का निर्णय मैं स्वयं ही लेती हूँ, दूसरों पर निर्भर नहीं रहती हूँ। और पहले जो भी निर्णय लेती थी ज्यादातर मान्यताओं के आधार पर ही लेती थी, अभी सही समझ के आधार पर अपना भाव तय करती हूँ तथा सहज रहती हूँ। और ये भी बताना चाहूंगी कि अब पहले जो था कि मुझे मेरी सासू माँ के प्रति काफी शिकायत रहती थी, लेकिन अब ये स्थिति है कि मैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव मेरे अंदर है, क्योंकि उन्होंने काफी मैं अभी जिस नौकरी में हूँ या सरकारी टीचर पद पर कार्य कर रही हूँ, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट भी किया। अगर वो सपोर्ट नहीं करती तो शायद मैं अपना एक मेरे बेटे को संभालते हुए शायद मैं जॉब में या नौकरी में मैं इतने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाती। और तो उसके उनके प्रति मैं काफी पहले बहुत जबरदस्त विरोध था, लेकिन अब वो विरोध कृतज्ञता के अंतर्गत वो बदल गया है। इसके लिए मैं यूएचपी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब बाहर की परिस्थितियों के आधार पर मैं कोई भी निर्णय नहीं लेती हूँ। संबंध का भाव थोड़ा सा हर जगह संबंध के भाव को सोच करके उसी के आधार पर मैं निर्णय लेती हूँ। संबंध का भाव व्यवस्था का भाव सुनिश्चित कर पाती हूँ। स्टेप टू के मैं तथा मेरा शरीर दोनों अलग अलग इकाई हैं, ये तो मैं अब स्पष्ट रूप से देख पाती हूँ, क्योंकि शरीर के अंदर जो भी संवेदनाएं होती हैं वो भौतिक रासायनिक घटना है। जैसे गुस्सा आने पर भी कई बार, मतलब पहले होता था पूरा शरीर कांपने लग जाता था, मैं अपना शरीर का संतुलन भी कई बार खो देती थी क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। कई बार अपने शरीर को भी मतलब ऐसे हार्म करने की कोशिश करती थी जब मुझे समझ के अभाव में। तो उस अब इस चीज से भी मैं थोड़ा निकल करके अच्छे से मैं बाहर आ पाई हूँ। और मैं जो भी मेरे शरीर के साथ में जैसे संवेदनाएं जो भी हैं, तो वो संवेदनाएं मेरे शरीर में हो रही हैं, उन संवेदनाओं के आधार पर मैं निर्णय नहीं लेती हूँ। मैं और मेरा शरीर दो अलग अलग इकाई हैं, ये थोड़ा देख पाती हूँ। पहले जैसे व्रत वगैरह भी कहीं रखती थी तो उसमें भी भूख जब एक्सट्रीम लग जाती थी तो ऐसा थोड़ा सा मेरे अंदर के भाव बिगड़ने लग जाते। उस समय अगर मुझे कोई भी आकर के मतलब ये होता था कि कोई मुझे कुछ कह देता या मेरे साथ में थोड़ा बहुत भी कोई इस तरीके की कोई विपरीत बात कह देता तो मेरे को एकदम से मतलब वो जो भूख भी सहन नहीं होती थी और चिड़चिड़ी सी होती थी और एकदम से गुस्सा उसमें निकाल देती थी। लेकिन ये चीज मुझे अब समझ में आती है कि मेरा व्रत रखना वो मेरा निर्णय है और जो संवेदनाएं हो रही है वो मेरे शरीर में है, उससे मेरे ऊपर किसी ने इस चीज को वो थोपा नहीं है। तो ये भी अगर मेरे को भूख लग रही है और मेरे मेरे अंदर जो चिड़चिड़ापन आ रहा है तो वो मेरे शरीर की संवेदनाओं के अंतर्गत आ रहा है, कोई भौतिक रासायनिक घटना शरीर में हो रही है, उसपे मेरा भाव नहीं बिगड़ना चाहिए उसके लिए। तो अभी ऐसा देख पाती हूँ। और अब थोड़ा जिम्मेदारी से कहीं भी हो अचानक प्रतिक्रिया नहीं करती हूँ, सोच समझ कर ही उसका रेस्पॉन्ड करती हूँ। जो भी निर्णय लेती हूँ वो समझ के आधार पर लेती हूँ और मेरा जो भाव है वो अब थोड़ा सहज बना रहता है। शरीर को पोषण और संरक्षण के आधार पर उसका सदुपयोग करना है, ये चीज अब थोड़ा समझ में आई है। विद्यालय में भी कोई काम पहले देते थे तो ऐसा लगता था कि ये काम मुझे ही क्यों दिया गया है, मैं ही क्यों करूं, लेकिन अब तो मन के भावों से ऐसा अच्छा लगता है कि अगर कोई काम देता है तो मैं उसको पूरे अपने तन मन और जोश से करती हूँ कि मैं कितना भागीदारी कर सकती हूँ मैं अपने समाज के लिए, प्रकृति के लिए। जैसे अभी भी हमारे विद्यालय में राजस्थान में एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया था, तो उसके अंतर्गत
विद्यालय के जो संस्था प्रधान है उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आपको नीलकमल ये वृक्षारोपण का पूरा आप ही को देखना है, और गवर्नमेंट का इस पर बहुत ज्यादा इन दिनों उस पर वो है कि आपको बहुत अच्छे से इस काम को करना है। मुझे ऐसा लगा कि आप अच्छे से कर सकती हो, तो मैं इस चीज को इतना अपने आप में बदलाव देख पाई कि जहाँ पहले सर इस बात को कहते थे कि नीलकमल तुम्हें कोई भी काम देते हैं तो तुम उस काम को मना कर देती हो या अच्छे से नहीं करती हो, तो उन्होंने मुझे इस काबिल पाया और मैंने पूरे तन मन धन से जोश से इस कार्यक्रम में मेरी भागीदारी निभाई। बच्चों को भी बहुत ज्यादा इसमें मैंने सहयोग बच्चों का सहयोग लिया, बच्चों को भी बहुत ज्यादा मैंने मोटिवेट किया कि हम कैसे प्रकृति में वृक्षारोपण के द्वारा हम अपनी एक अच्छी भागीदारी कर सकते हैं। तो इससे भी मुझे काफी ये समझ में आई कि जहाँ मैं पहले बहुत ज्यादा शरीर को इम्पोर्टेंस देती थी कि मैं अगर ये वृक्षारोपण का कार्य करूंगी तो कैसे गर्मी में धूप में कहाँ इतने गड्ढे खोदने इतने पौधे लाने और उनको व्यवस्थित लगाना, क्योंकि लगभग 1500 पौधे लगाने का लगभग टारगेट था हमारे विद्यालय का, तो उसको हमने लगभग लगभग पूरा कंप्लीट किया। काफी सारे बच्चों के घर पर भी जाकर के जो पौधे बच्चों को बांटे वहां भी जाकर के देखना था कि बच्चों ने क्या रियली व्यवस्थित तरीके से सारे पौधे लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। तो ये है कि पहले शरीर को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती थी तो सोचती थी थक जाऊंगी धूप में मैं ऐसा कैसे कर लूंगी, लेकिन अब मेरे ये सारी चीजें अब मैं नहीं सोचती हूँ। हमेशा शरीर को मैं ये जानती हूँ कि शरीर मेरा एक तरीके से साधन मात्र है, ये जो भी करना है इसमें मुझे समाज में व्यवस्था में भागीदारी निभानी है तो वो मेरा स्वयं का निर्णय है, और शरीर को मैं साधन के रूप में प्रयोग करती हूँ। और सुख स्वभाव है या प्रभाव है इस बिंदु पर भी मेरी स्पष्टता बनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता ही दिया कि बहुत ज्यादा भौतिक बाहर की चीजों में मेरा बहुत ज्यादा था कि ये चीज मेरे को अच्छी लग रही है, बस देखते ही अगर मुझे अच्छी लग रही है तो वो मेरे पास भी होनी चाहिए। इसी तरीके की जैसे कोई नया कपड़ा कुछ नया देखा, कोई ब्रांडेड वस्तु देख ली, घड़ी है या ऐसा है, तो उन चीजों को देख करके बहुत सुख सुविधाओं से बहुत ज्यादा खुश होना चाहती थी कि बस ये सुख सुविधाएं मेरे पास होंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, और काफी समय तक मतलब जीवन में ये चलता भी रहा कि ये इकट्ठा कर लिया वो इकट्ठा कर लिया। अब आज देखती हूँ घर के अंदर तो कई सारी ऐसी चीजें हैं वो अननेसेसरी इकट्ठी कर ली गई हैं और जिनका अभी कोई यूज भी नहीं है, दिन प्रतिदिन उनका कोई प्रयोग भी नहीं आता है। तो अब ये चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं कि जो सुख जो है प्रभाव नहीं है, बाहर की चीजों से मैं सुख ढूंढ रही हूँ वो उनमें नहीं है, सुख मेरा स्वभाव ही है जो मेरे स्वयं में है। ये थोड़ा सा मेरे अंदर काफी अच्छा इसका ये मेरा एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और पहले तो ऐसा मानना था कि जीवन विद्या से जुड़ने से और यूएचवी अटेंड सेशन करने के बाद में ही थोड़ा सा समझ में आया है कि अब मुझे ये भौतिकतावादी जो वस्तुएं हैं इनमें मेरा मोह नहीं रहा है। पहले तो बहुत ज्यादा एकदम अट्रैक्ट हो जाती थी, परेशान रहती थी कि कोई चीज पसंद आ गई जब तक मैं उसको लेकर के नहीं आ जाऊं, मेरे पास ना आ जाए या मैं खरीद ले लूं तब तक मैं बहुत परेशान रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इन चीजों से इनमें सुख ढूंढना मैंने बंद कर दिया है, और समय ये जरूर है कि थोड़ा सा अभी मैं प्रॉपर समय नहीं दे पाई हूँ, ये मेरी थोड़ी सी कमी है कि मैंने रिटर्न प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाई। मेरे हस्बैंड का भी अभी जून में ऑपरेशन हुआ था तो बीच में मेरी मेरा थोड़ा सा महीने भर के लिए भी थोड़ा मेरा यूएचवी सेशन ब्रेक हो गया था, लेकिन पहले ये भी था कि बहुत ज्यादा अटैचमेंट कहूँ या जो भी कहूँ, तो जब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन का था तो मैं पहले छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा घबरा जाती थी। इवन जैसे कभी बेटे को भी बुखार आ गया या बेटे को कोई चोट पहुंच गई या हस्बैंड को कोई चोट पहुंच गई या उनको कोई शारीरिक रूप से कोई तकलीफ हो गई तो बहुत ज्यादा मैं
घबराने लग जाती थी, भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा मैं चिंतित हो जाती थी, और वो घबराहट मतलब मेरे शरीर में नजर आती थी कहीं ना कहीं। और इन घबराहट की वजह से मुझे ये भी मुझे कि मेरे को बीपी वगैरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी बहुत ज्यादा, क्योंकि छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा माइंड भी करती थी और बहुत ज्यादा परेशान भी रहती थी। मेरे हस्बैंड बिजनेस के काम से ज्यादातर कभी बाहर भी रहते हैं, तो मैं और मेरा बेटा रहते हैं घर पर ज्यादातर टाइम। जब मेरे हस्बैंड का किडनी स्टोन की प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड हुई, तो और उस समय मैं अपना यूएचपी 10th बैच में कंप्लीट कर रही थी, तो मैंने देखा कि इस बार मैं बहुत आराम में हूँ, मुझे कोई इतना ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही अश्योर कर दिया है कि एक छोटा सा ऑपरेशन है और ऑपरेशन करके आपको 5-7 दिन में आपका जो भी है कवर हो जाएगा, रिकवर हो जाएंगे आपके हस्बैंड। तो जिस समय ऑपरेशन के लिए भी ले जा रहे थे, इवन उस समय मेरे सासू माँ और मेरे ससुर जी भी बहुत काफी परेशान से लग रहे थे, इवन मेरे हस्बैंड भी थोड़े परेशान से लग रहे थे, लेकिन मैं बहुत उसमें रिलीफ आराम में ही थी। मैं ये था कि हाँ एक छोटा सा ऑपरेशन है, रिकवर हो जाएंगे, बॉडी है उसमें किसी तरीके की अगर कोई बीमारी आ गई है तो उसका अगर सही ट्रीटमेंट मिलेगा तो वो सही भी हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। मैं क्यों इतना आगे तक सोच करके भविष्य में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब चीजों से मैं बहुत बाहर निकल करके आ गई, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी और इससे इन सब चीजों का मेरी बॉडी पे भी इफेक्ट मतलब कहीं ना कहीं मेरे को देखने को मिलता मिलता ही था। बीपी ज्यादातर हर समय बहुत ज्यादा चिंता करती थी छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो मेरा बीपी बहुत लो हो जाता था, लेकिन अभी ये सही समझ के आधार पर निर्णय लेती हूँ, बहुत आराम में रहती हूँ, तो मेरी ये बीपी की प्रॉब्लम वगैरह भी अब मुझे सही होती नजर आ रही हैं। तो इस तरीके से मैंने काफी ये है कि स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाई हूँ, लेकिन यूएचपी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये जो छोटे छोटे चेंजेस भी अगर मेरी लाइफ में आए हैं, तो ये सत्र को कंटिन्यू सुबह मेरा फिक्स रहता है कि उठ जाती हूँ, घर के काम को भी पहले तो करती थी तो काफी गुस्से में ऐसे चिड़चिड़ में करती, मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है, बाकी कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन अब बहुत सहज भाव से जब मेरा ये यूएचपी का चलता रहता है, सेशन चलता रहता है और इसको सुनती रहती हूँ, और सुनते सुनते मैं मेरा क्योंकि 7:30 टाइम हो ही जाता है, तो बस थोड़ा सा लास्ट के 5-10 मिनट में इसको ब्रेक करके मैं, क्योंकि स्कूल ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा पास में ही है घर के, इसी एरिया में ही रहती हूँ मैं, बापूनगर जहाँ मेरा विद्यालय है उसी एरिया में मैंने किराए से ले रखा है घर, तो वहाँ रहती हूँ। और अब काफी चीजों को लेके हड़बड़ाहट नहीं है, भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंताएं नहीं है, बस अब बहुत आराम में अपने आप को महसूस करती हूँ इन सब चीजों को लेकर के। और यही बदलाव अब काफी मेरे हस्बैंड ने भी देखे हैं कि हम दोनों के बीच में बहुत लंबे समय के बाद से अभी इस तरीके का कोई भी मैं रिएक्शन नहीं करती हूँ। हमारे जो पहले बहुत ज्यादा मतलब हम दोनों के बीच में अनबन भी बहुत होती थी, झगड़े भी बहुत होते हैं, तो उन सब चीजों में अभी कमी आई है, तो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ कि मेरे इन विचारों को मेरे इन भावों को मैंने इतना करीब से देखा, और जो भी अब मैं निर्णय लेती हूँ वो मेरे सह मतलब मेरे समझ के आधार पर सहज होकर के लेती हूँ। और जो अभिलाष सर हैं जिन्होंने मुझे इस यहाँ जुड़ने का मौका दिया, उनके लिए भी मैं बहुत ज्यादा अब मतलब कृतज्ञता का भाव है मेरे लिए। जिन जिन लोगों ने भी मेरे इसमें सहायता की है, पहले शिकायत एक शिकायत के मोड़ पर ही थी, वो पुराना बहुत मान्यताएं ऐसी भरी हुई हैं कि ज्यादा शिकायत ही चलती थी सबसे, इवन मेरे सास ससुर से, मेरे हस्बैंड से, इवन मेरी मदर से भी मुझे बहुत ज्यादा शिकायतें थी, लेकिन अब आज मेरे को जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो बस मेरे अंदर से सबके प्रति कृतज्ञता का भाव है मेरे अंदर से निकल करके आता है, बड़ी इमोशनल से हो जाती हूँ कि मैं कैसे मतलब ऐसी हरकतें करती या इतनी ऐसी इस तरीके से सोचती थी कि सबसे मेरा शिकायत था, लेकिन अब मेरा कृतज्ञता का भाव है वो मैं उनको व्यक्त भी करती हूँ उनसे। अब मेरा संबंधों में भी बहुत सुधार हुआ है पहले की अपेक्षा, क्योंकि अभी निरंतर अभी मैं जॉब के कारण भीलवाड़ा में रह रही हूँ, मेरा ससुराल उदयपुर में है, मेरे सास ससुर उदयपुर में रहते हैं, मैं यहाँ भीलवाड़ा में जॉब के कारण मेरा बेटा और मैं साथ पे रहते हैं, मेरे हस्बैंड आते जाते रहते हैं बिजनेस के सिलसिले से, वो
उदयपुर और भीलवाड़ा आना जाना करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने भी मेरे जो मेरे अंदर काफी बदलाव देखा है। उन्होंने भी अब वो भी चाहते हैं कि नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें वो भी यूएचवी इसको इस कार्यक्रम को ज्वाइन करेंगे। और यूएचवी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अगर इसकी बात करें कि ये वाला जो स्टेप है, मैं शून्य में हूँ और शून्य के सह अस्तित्व में हूँ, शरीर भी शून्य के सह अस्तित्व में है, तो शून्य वाला मुझे थोड़ा सा भी ये ज्यादा अच्छे से नहीं समझना अब आया है इसको, तो मतलब ये कहेंगे कि लगभग अभी शुरुआत ही है, मेरे को इतना अभी समझ में नहीं आया। लेकिन ये जरूर है कि अब मैं इस कार्यक्रम को कंटिन्यू, मैं इससे जुड़ी रहना चाहती हूँ और मैं इस सह शून्य को, सह अस्तित्व को और भी मैं गहराई से समझना चाहती हूँ। और इस बार मेरा प्रॉमिस है कि अगले बैच से अगर मैं जुड़ूंगी तो मैं सारे जो अभ्यास हैं उनको रिटर्न डाउन करके प्रॉपर तरीके से करूंगी ताकि मेरी समझ और अच्छी बने। इसी के साथ बस मैं आज की शेयरिंग को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। सभी यूएचवी टीम के प्रति कृतज्ञ हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते, नमस्ते सभी को, नमस्ते जी। जी नमस्ते दीदी। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ईमानदारी से अपनी बात को रखा। जी इसमें आप 9th बैच से जुड़े हैं, है ना? जी 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 9th में भी, हाँ जुड़ी 9th बैच से हूँ, बट बस यही है कि मैंने केवल इसको सुना ही है। मैं कई बार मेरे क्वेश्चंस के जवाब भी होते थे तो वो दूसरे जो दीदी भैया हैं जो उनकी शेयरिंग में मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाते थे, तो ज्यादा मैंने बिल्कुल शेयरिंग भी नहीं रखी है इसके अंतर्गत मैंने, और रिटर्न ऑफ प्रैक्टिस नहीं की है, ये मैं ईमानदारी से कहती हूँ। मैंने जितने भी अभी तक मेरी समझ बनाई है वो निरंतर बस ये है कि प्रैक्टिस करती रहती थी भावों को, दूसरों से जब मैं मिलती जुलती वो मुझे कुछ कहते तो मैं ये निरीक्षण जरूर मैंने करती रही अपने अंदर ही कि मेरे क्या भाव, क्या चेंज हो रहे हैं, क्या मैं उन्हीं के आधार पर अपने सुख का निर्णय, दुख और उसका निर्णय ले रही हूँ। बस ये है कि मैंने जो भी प्रैक्टिसेस की हैं जो हमारे इसके अंतर्गत वो है कि उसको रिटर्न डाउन आपको डायरी में करना है, वो मैंने नहीं किया। जी, तो बहुत बढ़िया। आपने जितना भी समय इस पर दिया है, जाहिर जी सी बात है आपके अंदर जो आराम आप देख पा रहे हैं और जो आपने पूरा रिलेट किया आपकी लाइफ में कितने चेंजेस हुए हैं। जी जी दीदी, ये तो बिल्कुल लाइफ में तो मेरी बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं, अब तो बहुत आराम में रहने लग गई हूँ मैं। जी, तो अभी आप देख सकते हैं कि बिना पॉइंट वाइज एक्सरसाइज को अच्छे से करे भी आप कितना आराम में आए हैं। तो अगर आप पूरे एक्सरसाइजेस को पॉइंट वाइज करेंगे और अपना ना जो एक्सरसाइजेस हैं डेली डेली जो असाइनमेंट्स मिलते हैं उनको करेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो जी कितना बिल्कुल। और फायदा हो सकता है। क्या होता है ना कि हम चीजें सुनते हैं तो अगर हम अपने अंदर देख नहीं रहे होते तो हमारी मान्यता बदल जाती है। हम पहले कुछ और मानते थे, अब ये कंटेंट सुन के फिर कुछ और मानने लगते हैं, लेकिन जी वो सस्टेन होगा कि नहीं वो डाउटफुल रहता है, क्योंकि कल के दिन कुछ और सुनेंगे फिर मान्यता बदलेगी, तो फिर ये ना डामाडोल होता रहेगा। जी लेकिन एक बिल्कुल। बार हमने अपने अंदर देख लिया, जान लिया, है ना, तो फिर जी बाहर से कुछ भी चीज उसको प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हम फिर जान गए, फिर जान गए। हमें, हाँ, ये मान्यता नहीं बदली बट हम जान गए। तो हम सब उसके लिए काम करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ताकि हम अपने बल पर डिसीजंस ले पाए। अभी भी हम खुद ही निर्णय लेते हैं, लेकिन अक्सर बाहर से प्रभावित होके, है ना। जी तो जैसे जैसे हमारे अंदर जानने का काम और तेजी से बढ़ता है, उतना उतना हम अपने अंदर अपने निर्णय खुद लेते हैं, ना कि बाहर के किसी प्रभाव से या किसी मान्यता से, है ना। तो जी उसके लिए काम करना और थोड़ा समय देंगे, अगर अलग से ना बैठ के आधा घंटा रोज देखेंगे अपने अंदर, और जो भी आगे की जो होंगी एक्सरसाइजेस, आपने कहा अगर मैं ज्वाइन करूँ तो मैं कहूँगी आप निर्णय अभी नहीं लो। नहीं
नहीं मैं ज्वाइन करूंगी, कंफर्म है ये कि ज्वाइन जी करूंगी। मैंने 9th और 10th पूरा ही किया था, बस 10th बैच में लगभग महीना भर जब थोड़ा बिजी रही थी ऑपरेशन के दौरान, उस समय मैंने थोड़ा सा मिस किया था, अदरवाइज कंटिन्यू है और नेक्स्ट भी कंफर्म बढ़िया, है कि मैं कंटिन्यू करूंगी। बहुत बढ़िया। आपको आगे जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप थैंक यू जरूर सो मच। क्वेश्चन पूछें, और जो भी मतलब आप में डाउट है तो बहुत से हाँ वॉलंटियर्स हैं, हम लोग सब हैं, तो जी आप जी इंटरेक्ट करें। बहुत जी जी बढ़िया, जी बहुत बिल्कुल, शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।